ये MCS का चिलर है, MCS कंट्रोल है। तो चालू करने से पहले ये इसका सिलेक्टर स्विच है, लोकल ऑफ एंड रिमोट। ये S1 स्विच है, सिर्फ ऑन ऑफ कंट्रोल को पावर देने के लिए स्विच है, जो स्टील वाला स्विच दिख रहा है S1। लेकिन चालू करने से पहले कुछ चीज़ों को पहले चेक कर लो, उसके बाद ही ऑन करें। अभी ये यूनिट लॉकआउट है, तो कुछ चीज़ों को चेक कर ले उसके बाद ही ऑन करें, नहीं तो क्या है कि वो ऑन नहीं होगा, बार बार अलार्म आएगा। तो चालू करने से पहले सिलेक्टर स्विच को लोकल में ऑन करने से पहले, लोकल बोले तो मैनुअल है ऑटो यानी कि BMS से। तो सबसे पहले मेनू में जाएं, इनपुट्स में जाएं, इंटर में जाएं। इंटर में जाके F3 जो है 3 बार दबाइए, एक एक करके जा सकते हैं लेकिन जल्दी पहुंच जाएंगे, आसानी से इजी है। तो सबसे पहले फ्लो देखें, ये वाटर फ्लो स्विच का इंडिकेशन है कि फ्लो है कि नहीं, फ्लो दिखा रहा है कि यस है, ये ओके है, अब ठीक है। इसको देखने के बाद और भी कुछ देखना है, हाँ नहीं तो अगर आप नहीं देखेंगे डायरेक्टली, अगर फ़ौरन सिलेक्टर स्विच ऑन करेंगे तो वो एरर या अलार्म आ सकता है। हाँ तो ये अगर वो सब चेक करके स्टार्ट करेंगे तो एरर नहीं दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा, इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। तो फिर आप फिर मेनू दबाएं, फिर इंटर दबाएं, और इस बार पहले F3 दबाया था फ्लो देखने के लिए, फ्लो स्विच का, और अभी आप F2 दबाएंगे 3 बार, 1 2 3, 3 बार प्रेस कीजिए, और 3 बार प्रेस करके ये चारों देखना है कि चारों यस है कि नहीं, PSI मिनिमम ओके, PSI मैक्सिमम ओके, PSI ओके और PSI फ्लो, ये चारों यस होना चाहिए। कोई भी एक भी अगर नो है चालू नहीं करना चाहिए, इसको पहले सॉल्व करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। तो पानी कम होने की वजह से ये सब होता है, या पानी ज़्यादा होने की वजह, क्योंकि PSI मिनिमम है, ये जो दिखा रहा है पानी से रिलेटेड है, वाटर का फ्लो से रिलेटेड है। तो वाटर का फ्लो अगर कम हो जाएगा तो मिनिमम का अलार्म आ जाएगा, नो आ जाएगा, मैक्सिमम ज़्यादा होगा तो नो आ जाएगा, PSI प्रेशर अगर नहीं होगा तो नो आ जाएगा, फ्लो अगर नहीं होगा तो नो आएगा। और भी कुछ देखना है इसके अलावा, पहले हम लोग फ्लो देखें, चार ये देख लिए, एक बार और दबाएंगे। ये PSI डिफरेंशियल 1 है 7.6, PSI डिफरेंशियल 8.5। ये PSI डिफरेंशियल जो है ये बैरल का डिफरेंशियल है, बैरल में एक ट्रांसड्यूसर लगाया है जिसका नाम है वाटर डिफरेंशियल और ट्रांसड्यूसर। तो दोनों के बीच में, दोनों में इन आर आउट दोनों पे डिफरेंशियल स्विच है, वो दिखाएंगे आपको। तो वो लगाने की वजह से इसका ये डिफरेंशियल दिखा रहा है 7.5, बैरल 1 का 2 बैरल है चिलर पे, और बैरल 2 का 8.5 है, जो इसका सेटिंग है वो 3.3 है लो का, और हाई का है 12.3। तो अगर 3.4 से 11.2 तक चाहिए, यानी कि ये जो 3.4 से 11.2 तक के चाहिए, 3.4 में ठीक है, 3.3 आएगा तो ट्रिप करेगा और 11.2 आएगा तो ट्रिप करेगा। तो यही डिफरेंशियल है, तो इन आउट पे दोनों पे वो डिफरेंशियल वाटर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। सो शूटिंग पे दिखाते हैं कहाँ पर है ये इसका, ये वाटर डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर है। ये है MCS का सिस्टम है, ये MCS 200 है, इसका जो ट्रांसड्यूसर का रेंज थोड़ा अंदर दिख नहीं रहा है, लेकिन MCS 200 C है वो। तो ये इन में और आउट में दोनों में, इन और आउट दोनों पे ये लगा हुआ है, इन आउट दोनों पे, तो इस वजह से वो डिफरेंशियल दिखाता है, अच्छा है। अगर पानी का फ्लो किसी भी वजह से कम हुआ तो दोबारा, फिर सेट पॉइंट पे जाइए कि कितना उसका डिफरेंशियल सेटिंग रखा है लो और हाई का। सेट पॉइंट में जाके इसको इंटर दबाइए, इंटर में दबा के F2 दबाइए, देखिए हाई वाटर 12.2 है, मैंने 12.3 बोला था लेकिन 12.2 है, और लो का 3.4 है, यानी कि उसको 3.4 पे आएगा तो ट्रिप करेगा, 12.2 पे आएगा तो ट्रिप करेगा, यानी इसका रेंज है 3.5 से लेके 12.1 तक, 3.5 से लेके 12.1 तक, इन दोनों के बीच में रेंज रहना चाहिए इसके। अगर वो 3.4 पे आएगा तो ट्रिप है, और 12.2 पे आएगा तो ट्रिप है, यही इसका डिफरेंशियल सेटिंग है। तो दोबारा जाके हम लोग एक बार डिफरेंशियल देख लेते हैं, मेन इनपुट्स में जाके इंटर दबाइए, एक एक करके जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे। तो ये है, और हमारे सर से मिलिए, ये शेर अली सर हैं, चिलर स्पेशलिस्ट। तो हाँ हाँ चिलर स्पेशलिस्ट है ये, तो हमारे सर थे, तो हाँ
तो बाकी सुल्तान सर से बाद में मिलेंगे, सुल्तान सर बिजी हैं। आप अपना चेहरा तो नहीं नहीं तो हमारा चेहरा हमारा चेहरा की बात नहीं 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 ओके तो बाद में तो अपना चेहरा दिखाओ यार। तो वीडियो यहाँ तक के लिए है इंशाल्लाह नेक्स्ट यार रब अल्लाह अकबर। तो ओके बस वीडियो पॉज करते हैं।